आधा पौन घंटे करीब बैठा मैं यहाँ पे, मतलब बढ़िया धूप आ रही है और लोकेशन में तो मैं दिखाई चुका हूँ ऑलरेडी। वाह यार ना बढ़िया लग रहा है, ये देखो सामने। तो बट यार अब यहाँ से जाना पड़ेगा, क्या करें आपको क्या करें भाई, मजबूरी है, हर समय तो नहीं बैठ सकते, थोड़ा घर पे भी काम है। बाकी ये है कि यहाँ आते जरूर रहूँगा मैं, इतना तो भाई फिक्स है, मतलब मेरा एक बढ़िया लोकेशन मिल गया और ज़्यादा दूर भी नहीं है मतलब घर से मेरे, तो ऑब्वियसली मालवीय नगर में रहता हूँ मैं, तो यार बहुत सही है। तो आओ चलो चलते हैं यार घर फटाफट, ठीक है। और जाते समय अभी आपको थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ, शायद एक टनल वनल कुछ पड़ेगी, ऐसा कुछ बात हुई है कि टनल से जाएँ, देखते हैं डिसाइड करूँगा अगर टनल से जाएंगे, अगर ना नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, जाने का रास्ता तब भी बहुत बढ़िया है। ये देखो यहाँ पे बैठा हुआ था मैं मस्त करके, और लोग ऊपर मतलब ऊपर गया था जब पहले वाले जो शूट करा था ऊपर गया था मैं वहाँ पे भजन वजन हो रहा है वहाँ उधर की साइड। भाई आतंकी बंदर है तो सब तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। इस स्पॉइलर के पीछे पड़ गया तो लाइट उखाड़ देगा। ओ भाई यहाँ के बंदर काफी उद्दंड हैं, उद्दंड उद्दंडी बंदर्स। इसकी स्केटिंग चल रही है यहाँ पे, इसे रगड़ रगड़ पूरे मंदिर में घूम रहा है। देखो वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, इस नज़ारा देखा आपने कभी, ब्यूटी। ये वॉशरूम है सामने भाई, देखो नज़ारा बढ़िया एकदम यार, मुझे लगा भाई कैप्चर करना चाहिए, मतलब फ्रेश होकर बाहर निकलता और आपका एकदम मूड एकदम सही हो जाता है बाहर निकलते ही, बढ़िया सीन। और हाँ तो भाई थोड़े डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं, बाइक की पार्किंग लगी भाई 10 रुपये की, एंड फ़ोन का मैंने आपको बता दिया था, फ़ोन और कैमरा क्या सीन होता है, अगर आप कैमरा है फिर फ़ोन ले जाना है, कैमरे की बात करते हैं, हाँ कैमरा ले जाना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा 100 रुपये का अराउंड, उसमें छोटे छोटे अक्षरों में फ़ोन का भी लिखा हुआ था, तो अगर आप थोड़ा सा उससे बहसबाजी करोगे तो ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं, दुनिया फ़ोन लेकर आ रही है, ऐसा कोई है नहीं कि सब उसका चार्ज दे रहे हैं, तो हाँ थोड़ा सा मैंने कटवा लिया, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। हाँ तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी तो यार ऐसा है कि एक रास्ते में एक मंदिर और पड़ता है घाटी बालाजी का, तो वो भी काफ़ी मुझे सही लगा, काफ़ी महत्ता थी, बट उसके अभी दर्शन नहीं करेंगे, वो कभी और देखेंगे, कभी और दर्शन करेंगे उनके। अभी भाई चलते हैं घर सीधा फटाफट, अब ठीक है बाइक पे बैठते हैं, बाइक थोड़ा सा नीचे है, मतलब जहाँ पे बाइक खड़ी करते हैं ना वहाँ से करीब 150-200 मीटर करीब ऊपर आना होता है आपको, ज़्यादा दूर नहीं है। ये मेन एंट्रेंस थी यहाँ की, वो रास्ते में आपको मतलब गाय बैल वगैरह काफ़ी मिल जाएंगे, बहुत सारे गाय मिल जाएंगी, तो आप मतलब घर से भी अगर आप कुछ मतलब खाने पीने का चीज़ लेने आना चाहते हो तो दे सकते हो उन्हें, वरना यहाँ पे भी मतलब ऐसे क्या होता है वो कुछ ग्रीनरीज वगैरह ग्रीन जो उनका खाना पीना होता है ठीक है, तो वो सब भी मिलता है आपको सेवा करने के लिए ऑब्वियसली, तो वो सब भी आप कर सकते हो। देखो भाई पूरे रास्ते में बंदर और गाय गाय दिखेंगे आपको उधर, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, काफ़ी सही लगी यार मुझे, अगर आप सेवा करना चाहते हो तो कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। टाइम टू मूव गाइस, कालताजी टेम्पल को बाय बाय कहना टाइम आ गया है, लुक एट माय ब्यूटी है अल्टीमेट, अब कुछ ही दिनों से एग्जॉस्ट पे लगने वाला है तो इसकी खूबसूरती में और चांद चांद लगने वाले हैं। हट जाओ पापी, ओके चलो। भाई सच बताऊं वर्थ था यार, मेरे को सही में नाहरगढ़ फोर्ट वगैरह से भी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे, पता नहीं क्यों, मतलब फोर्ट के घर चलो अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, ऐसी जगह मुझे थोड़ी सी काफ़ी अच्छी लगती है, शान शान सी जो होती है ना थोड़ा, और चारों तरफ भाई पहाड़ियाँ हैं पहाड़ियाँ, और अंदर को यार कुछ रास्ते जा रहे हैं यार, पता लोकल कोई होता ना मेरे साथ, लोकल कोई बंदा तो वो सब बता सकते हैं वो लोग क्या है क्या नहीं है यहाँ पे, अंदर को मतलब रास्ते कट रहे हैं अंदर की तरफ, काफ़ी सही सही, और ऐसी पहाड़ियाँ पता मेरे कब देखने को मिली थी, जब यार आपने पता नहीं वो वीडियो देखी कि नहीं देखी, जब मैं गया था पुष्कर की ट्रिप पे, ऑफिस ट्रिप पे गया था मैं, ऑफिस ट्रिप थी वो, हाँ यहाँ से है ना ऑफिस ट्रिप थी वो, तो भाई पुष्कर घाटी से होते हुए गई थी बस यार, वो भी वो जगह भी अल्टीमेट, मतलब वो रास्ता और वो जगह थी ना वाह, तो इस टाइप की कुछ फील यहाँ यहाँ पे भी आ रही है मेरे को यार, बंदर ना आ जाए रास्ते में, बस मुझे डर इस बात का लग रहा है, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा ना, फ़ोन वोन सब कुछ ले लिया, फ़ोन कैमरा ठीक है सब कुछ ले लिया, लंगूट्स भी हैं कमी थोड़ी किस चीज़ की, वैसे यार बाइक की आवाज़ अभी भी काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को, बट एग्जॉस्ट लगने के बाद थोड़ा और फन आने वाला है।
राइडर्स तो है यार देखो जयपुर में, ऐसी बात नहीं राइडर्स नहीं है। अभी एक भाई गए थे वो भी भाई R15 थी, और अभी एक और मिली मुझे भाई, एक एग्जॉस्ट लगा हुआ था, बहुत ही प्यारी आवाज़, मतलब R15 से मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी सही आवाज़ आई, एकदम बेसी आवाज़ आ रही थी। इस टाइप का कुछ मैं लगवाने की सोच रहा हूँ कि थोड़ी बेसी सी आवाज़ आए, वो पट 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 वाला मुझे नहीं चीज़ चाहिए कि भाई कान ही फट जाए बिल्कुल ही, पुलिस वाले पीछे पड़ जाए जिंदगी खराब कर दे, हर ट्रैफिक लाइट पर पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे भाई चाहिए एकदम सूदिंग बेसी साउंड चाहिए, एग्जॉस्ट साउंड की जो ट्रैफिक के जो नॉर्म्स है उसके अंडर रहनी चाहिए आवाज़ अपनी। हाँ ठीक है, यहीं साथ ना, तो इस टाइप का मुझे कुछ चाहिए। तो यार मुझे अभी नहीं पता एक्चुअल में यहाँ पे मार्केट कौन सा है और कौन सी शॉप अच्छी अच्छी है, तो थोड़ा वही मैं एक्सप्लोर वगैरह कर रहा हूँ धीरे धीरे, पता वता कर रहा हूँ लोगों से। अपना दिल्ली में तो वही पता ही है देखो, करोल बाग में है PXJ करके ऑटो, वो PXJ ऑटो मोबाइल ऐसे करके शायद शॉप है, वो भाई रखते हैं सारा सामान। अभी यहाँ पर थोड़ा पता करना पड़ेगा कि भाई कौन सी शॉप सही है, रिजनेबल रेट रेट वगैरह लग जाए, तो वो चीज़ें हैं यार। बाकी तुम नज़ारे देखो भाई साहब, इस वाली जगह का यार कुछ नाम बताया था उस भाई ने जो मेरे को छोड़ना आया था, ऐसी कुछ था कुंड करके वो जगह थी यार। ये भी यार बहुत प्यारी जगह लग रही है, देख रहे हो तुम, और ये पूरा पूरा मतलब पूरे ऐसा लग रहा है बाउंड्री से बना रखी है पूरी सेम थीम में, जैसे पिंक सिटी में सेम थीम में सारी शॉप है ना, उस टाइप का ही है पूरा। ये काफ़ी सही जगह लग रही है, मतलब ये बता रहा था कि आगरा से अगर आप आते हो ना तो आप इसी रूट से आओगे, मतलब ये वाली जो रोड है आई थिंक आगरा के लिए ही जा रही है शायद, ऐसा वो बता रहा था मेरे को। तो देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है यार, कितना ही सुंदर लग रहा है भाई साहब, ब्यूटीफुल। और पता है सच, और अच्छी बात क्या है, यहाँ से पता आगरा दूर भी नहीं है, हमारे उधर से तब भी दूर पड़ता है शायद 250 के अराउंड है, यहाँ से आई थिंक 200 के अराउंड ही है, शायद 200 से भी कम है आगरा ताजमहल वगैरह। तो ताजमहल तो कह रहे जाने का कुछ प्लान है नहीं, वो तो एक ही बात हो जाएगी, अपने उधर से भी चले जाओ बल्कि भाई अपना उधर यमुना एक्सप्रेस से पड़ता है तो उससे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये पुलिस वाले अंकल एकदम भागे क्यों, क्या ये मुझे रोकना चाहते थे क्या पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस करा नहीं करा, वो एकदम से पता नहीं जो गाड़ी है पुलिस की सब गेट खोलने को आ गए, वो सब तो ठीक है बट मैं देख रहा हूँ कौन से रास्ते से जा रहा हूँ मैं यार GPS लगा रखा है मैंने, पहुँच ही जाऊँगा भाइयों। सो यार गाइस करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। अरे हाँ ये वाला ही रास्ता याद आ गया, ये वाला रास्ता वो है जब मैं दिल्ली से यहाँ आया था ना तो इस वाले रास्ते से आया था मैं। ओके बाय बाय बाय।